बिहार में चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सीमांचल क्षेत्र में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जो चंद दिनों में पूरे राज्य में फैल जाएगा। हर साल की तरह दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने किशनगंज के रास्ते प्रदेश में एंट्री दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मॉनसून का आगमन एक दिन पहले हुआ है। पिछले साल 13 जून को मॉनसून ने इलाके में दस्तक दी थी। 2006 के बाद पहली बार मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दी है। जब 6 जून को मॉनसून का आगमन हुआ था, मॉनसून के आगमन पर पूर्णिया से लेकर फॉरबिसगंज तक झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पूर्णिया के डेंगराहा घाट इलाके में इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जहां पर 105.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं कटिहार के बलरामपुर में 57.2, अररिया के सिकटी में 56.4, किशनगंज के ठाकुरगंज और सुपौल में 34.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उधर मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून के कारण हवाओं में नमी की मात्रा बढ़ने, अधिकतम तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच के कारण वज्रपात और आंधी चलने की संभावना बनी रहती है, जिसके मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है।